हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। माय नेम इज कटिक एंड इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके स्टैंडर्ड्स का ओवरव्यू जो आपको अप्लाई होते हैं अलग अलग। उसके लिए सबसे पहले हम आपको एक सुनाएंगे कहानी, किसकी, एक्स वाई जी लिमिटेड की। फिर हम आपको उस कहानी में जो हमने अलग अलग सर्विसेज बताई होंगी जो देता है एक सीए किसी कंपनी को, उसको हम मैप करवाने वाले हैं इन अलग अलग टाइप्स में। उसके बाद हम बताएंगे कि किस किस टाइप पे कौन कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई होता है। एंड देन फाइनली मैं आपको दिखाऊंगा ये वाली स्लाइड जिसमें आपके अलग अलग स्टैंडर्ड जो भी आपको अप्लाई होते हैं वो लिखे हुए हैं। तो आ जाइए, आते हैं क्विकली। ये वीडियो आपको सबसे पहले देखना है किसी भी स्टैंडर्ड को देखने से पहले, सो आ जाइए फटाफट से आते हैं। कहानी है किसकी, एक्स वाई जी लिमिटेड की। एक्स वाई जी लिमिटेड में दो मेन एंटिटीज कौन कौन सी होती हैं। एक होती है दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस, जिनका काम होता है बड़े बड़े डिसीजन लेना, जिनका काम होता है गवर्न करना किसको, इस कंपनी को। सेकंड होता है मैनेजमेंट, जो क्या करती है, जो इन डिसीजंस के बेसिस पे एंटिटी को मैनेज करती है, वो होती है मैनेजमेंट। सो ये दो मेन लोग होते हैं किसमें, एक्स वाई जी लिमिटेड में। इसके अलावा भी होते हैं, इसके अलावा कौन हो सकता है, एम्प्लॉयज हो सकते हैं, लेकिन उसकी बात हमने यहाँ पे नहीं की। सो आ जाओ, अब ये जो लोग हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज के लिए, उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए। ओके, अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है तो खुद से बना लो, या फिर ये क्या कर सकते हैं, किसी की सर्विसेज ले सकते हैं। सर्विसेज किसकी लेंगे, देखो ये किसका काम है, अकाउंटिंग का काम है। सो अकाउंटिंग का एक्सपर्ट कौन है, सीए है। सो कोई सीए अंकित बोल के हैं जो अकाउंटिंग के लिए बहुत अच्छा माने जाते हैं, जिनको अकाउंटिंग का काम बहुत अच्छे से आता है, इन्होंने इसकी सर्विसेज लेके यहाँ पे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं। सो सीए अंकित किसके लिए काम करते हैं, सीए अंकित काम करते हैं एक्स वाई जी लिमिटेड के लिए फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग, फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके फाइन, अब क्या होता है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसके लिए बनते हैं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं आपके इन लोगों के लिए, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसमें कौन कौन आता है, इसमें आता है आपका शेयर होल्डर, इसमें आ सकते हैं बैंक्स, इसमें आ सकती है गवर्नमेंट अथॉरिटीज। ये सब के सब क्या है, ये अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं इस कंपनी में। शेयर होल्डर्स ने पैसा लगाया हुआ है, बैंक ने लोन दिया हुआ है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज को वहां से टैक्स चाहिए, एम्प्लॉयज वहां पे काम करते हैं, सप्लायर्स उसको सप्लाई करते हैं तो उनका पैसा उस पर ड्यू रहता है। सो ये अलग अलग यूजर्स हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं। ये एक आपको एक लिस्ट दे दिया छोटे से एग्जाम्पल के फॉर्म में। सो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसके लिए बने हैं, इनके लिए बने हैं क्योंकि इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के ही ये जो आउटसाइडर्स हैं ये समझ पाते हैं कि एंटिटी कैसा काम करती है, उसके बेसिस पे ये अपने इकोनॉमिक डिसीजन जो भी होते हैं एंटिटी को लेके वो ले पाते हैं। ओके फाइन, सो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है इनके लिए। बट अगेन बात आ जाती है, इसको बनाया किसने, इसने, ये किसका है, इसको बनाया किसने, अबे इसको बनाया किसने, इसको बनाया इसने एंड इसने किसके लिए, इसके लिए एंड किसके बंदे हैं, ये एक्स वाई जी लिमिटेड के ही हैं। सो इसके केस में ये जो लोग हैं इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, एग्जैक्टली ये इसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से क्योंकि इन्होंने खुद ही बनाए हैं। एंड उसके बेसिस पे मान लो शेयर होल्डर को कोई डिसीजन लेना है तो इसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सो गलत चीजें यहाँ पे दिखा के ये इन लोगों के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सो इन्होंने क्या डिमांड किया, इन्होंने डिमांड किया कि भैया ये जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं ये इंडिपेंडेंटली किसी एक बंदे से वेरीफाई होने चाहिए। कोई इंडिपेंडेंट बंदा आएगा जिसको इन सब सब्जेक्ट मैटर की नॉलेज होगी एंड वो इसको चेक करके हमको बताएगा कि ये ढंग से बने हैं कि नहीं बने हैं। सो वहीं पे पिक्चर में आता है एक इंडिपेंडेंट पर्सन जिसको अकाउंटिंग की बहुत अच्छी खासी नॉलेज है। कौन है वो, तुम नलायको, तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। सो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होते हैं वो क्या है, उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, उनको अकाउंटिंग की बहुत अच्छी खासी नॉलेज है। सो ये क्या किया, अब ये अब किसी एक इंडिपेंडेंट बंदे को दे दिया एंड उसको बोला कि भैया तू इसको देख एंड बता कि ढंग से बने कि नहीं बने। ओके, ये इंडिपेंडेंट पर्सन कौन होगा, क्या ये सीए अंकित हो सकता है, सीए अंकित यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि उसी ने तो ये बनाए हैं, उसी ने बनाए हैं, आप उसी को चेकिंग के लिए दे दोगे, गलत हो जाएगा काम, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। वो किसके लिए काम करता है, इन लोगों के लिए।
सो आप सीए अंकित को नहीं दे सकते। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कोई एक ऐसा बंदा जो इस पर्टिकुलर कंपनी से इंडिपेंडेंट है, जिसका रिलेशनशिप कहीं पे भी कंपनी के साथ नहीं आता। इस चीज को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर। सो इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका, जिसके ऊपर हमने एक अलग से वीडियो भी बनाई हुई है, वो वीडियो आपको यहां मिल जाएगी इस वक्त, आप देख सकते हो उसको। ओके फाइन, आते हैं थोड़ा आगे। सो हमने समझा कि ये दिया जाएगा किसी इंडिपेंडेंट पर्सन को। सो यहाँ पे सीए अंकित नहीं कर सकते काम, ये काम दिया जाएगा सीए कटिक को, जो कि इंडिपेंडेंट है इस पर्टिकुलर एंटिटी से। ओके फाइन, अब सीए कटिक क्या करने वाले हैं? सीए कटिक इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करने वाले हैं। अब एग्जामिन किसके अगेंस्ट किया जाए? एग्जामिन किया जाएगा अगेंस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कि ये जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बने हैं कि नहीं बने हैं, ये काम जो आपने किया है ये वो जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से हुआ है कि नहीं हुआ है। सो एग्जामिन किया जाएगा अगेंस्ट सम बेसिस। ओके, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इस बेसिस को हम बोल देते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, या हम बोल देते हैं NDAs अभी जो आए हैं नए। लेकिन इन केस आप इसको यूएस के कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहो तो आप क्या बोलोगे? यूएस में क्या अप्लाई होते हैं? यूएस में अप्लाई होते हैं यूएस गैप्स। ऐसे ही बहुत से नेशंस हैं जहां पे ये अप्लाई नहीं होते, जहां पे क्या होते हैं इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जो आपके होते हैं IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ओके, सो ये अलग अलग बेसिस हैं जिसके बेसिस पे ये बनने चाहिए। सो मैं इसको एग्जामिन करने वाला हूं कि ये इसके हिसाब से बने हैं कि नहीं बने हैं। समझ आया? इन सबको हम कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं? इन सबको हम बोल देते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ओके, एंड इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कौन से एप्लीकेबल हैं? ये एप्लीकेबल हैं। सो हम टर्म यूज करते हैं एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। इस पे भी हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है इसके मीनिंग को लेके, वो आपको यहां पे इस वक्त मिल जाएगा इस YouTube के वीडियो में। आगे आते हैं फटाफट से। ओके साहब, सो हमने समझा कि ये बन सकते हैं इन रिलेशन टू अलग अलग स्टैंडर्ड्स। सो हम यहाँ पे बोल देते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एप्लीकेबल वाले, इसके हिसाब से मुझे चेक करने होंगे। अब मैं इसके हिसाब से चेक करके क्या देने वाला हूं? मैं अपना एक ओपिनियन दूंगा एंड वो ओपिनियन में मैं लिखूंगा कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सही बने हैं कि नहीं बने हैं। उस ओपिनियन के बेसिस पे ही ये जो लोग हैं यहाँ पे अपना अब इकोनॉमिक डिसीजन लेना चाहते हैं, उसी के बेसिस पे अपना इकोनॉमिक डिसीजन लेंगे। सो मैंने एक वे में मैं कह सकता हूं इन लोगों को एश्योरेंस दिया। मैंने यहां पे जो सर्विस दी वो है एश्योरेंस सर्विसेज। ओके फाइन, सो इसको मैं बोल सकता हूं कि मैंने क्या दिया, एश्योरेंस सर्विसेज दी है। आगे आते हैं। सो एसेंशियली एक तो यहां पे काम किया था सीए अंकित ने, एक काम किया था सीए कटिक ने। ओके, सीए कटिक ने जो काम किया वो उसने क्या किया, उसने एश्योरेंस दिया किसको, किसी थर्ड पार्टी को जिसका नाम है यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एंड लेकिन अंकित ने क्या किया, अंकित ने यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी को एश्योरेंस नहीं दिया, अंकित ने तो यहाँ पे मैनेजमेंट के लिए एक काम किया है जो उसको आता है क्योंकि वो अकाउंटिंग का एक्सपर्ट है। फाइन, सो ये अलग अलग काम हो गए जो आप कर सकते हो, समझ आता है। अब इसी के बेसिस पे हम आते हैं थोड़ा सा आगे एंड हम इनको क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं। सो इसी बेसिस पे क्या मैं कह सकता हूं कि सर्विसेज अपनी दो टाइप की हो गई, एक हो गई एश्योरेंस सर्विसेज जिसमें मैं किसी थर्ड पार्टी को एश्योरेंस देता हूं किसी चीज को लेके कि ये काम ढंग से हुआ है, ये काम सही से किया गया है। एक होती है उसके अलावा जो बाकी बच गई जिसको हम बोल सकते हैं नॉन एश्योरेंस सर्विसेज। सो एक हो गई एश्योरेंस सर्विसेज, एक हो गई नॉन एश्योरेंस सर्विसेज। ओके फाइन, सो मेन पहले जो क्लासिफिकेशन आ गई वो आपकी ये आ गई। आते हैं अब उसके थोड़ा सा आगे। अब मुझे बताओ कि
यहाँ पे एश्योरेंस सर्विसेज जो हैं वो दी जा सकती हैं दो कॉन्टेक्स्ट में. एक है कॉन्टेक्स्ट आपका हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था. ये जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थे यही होते हैं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. बेसिकली जो पास्ट में कुछ भी ट्रांजेक्शन हुई हैं, जो इवेंट्स हुए हैं, उन सबको रिकॉर्ड करके जो बनाया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उन सबको ही हम बोलते हैं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ओके फाइन. एक हो सकती है बाकी चीजों को लेके अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. इसमें क्या क्या आ सकता है? आपने सुना होगा प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपने सुना होगा बजट, आपने सुना होगा फोरकास्ट. बेसिकली ये सब चीजें होती हैं जो हिस्टोरिकल नहीं है. उसके अलावा आपने एक टर्म सुना होगा इंटरनल कंट्रोल्स, ICs. एक कंपनी को चलने के लिए एक क्या चाहिए, कुछ एक प्रोसेसेस चाहिए कि ये काम ऐसे होना चाहिए, काम ऐसे होना चाहिए, जिससे इसमें कोई गलती ना हो सके. वो भी एक क्या हो गया, वो भी एक मैटर हो गया, सब्जेक्ट मैटर हो गया अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सो ओके, हम इसके बेसिस में समझ गए कि एक हो गया हमारी सर्विसेज एश्योरेंस, एक हो गया नॉन एश्योरेंस. एश्योरेंस सर्विसेज हो सकती है इन रिलेशन टू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड जो आपकी एश्योरेंस सर्विसेज हैं वो हो सकती हैं अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेके भी. फाइन, थोड़ा आगे आते हैं. अब हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे जो आप सर्विसेज ये देते हो, अलग अलग टाइप की आप एश्योरेंस दे सकते हो, अलग अलग टाइप की आप, अलग अलग लेवल की आप एश्योरेंस दे सकते हो. एक हो सकता है एब्सोल्यूट, मतलब कि 100%. ओके, एक हो सकता है एब्सोल्यूट. ये हमने यहां पे काटा इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि एब्सोल्यूट एश्योरेंस एक सीए कभी भी किसी चीज को लेके नहीं दे सकता. हम यहाँ पे बस ये टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं कि अलग अलग लेवल की क्या क्या एश्योरेंस हो सकती हैं, क्योंकि इसके बेसिस पे ही हमको समझ आएगा कि ये क्या होता है. सो एक लेवल हो सकता है एब्सोल्यूट, भाई सब कुछ सही है 100%. एक हो सकता है रीजनेबल, मतलब कि एब्सोल्यूट से थोड़ा कम. एक हो सकता है आपका लिमिटेड, उसको हम बोल सकते हैं मॉडरेट भी, मतलब कि रीजनेबल भी नहीं है, हाई भी नहीं है, मॉडरेट लेवल पे है, कम लेवल पे है, बट ठीक है हमने दी है कुछ एश्योरेंस. ओके, सो ये आप अलग अलग लेवल की एश्योरेंस दे सकते हो इन रिलेशन टू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. फाइन, एब्सोल्यूट नहीं दे सकते, तो हमने वहां पे क्या लगा दिया, काटा लगा दिया. एक हम दे सकते हैं अब रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस. ये क्या होता है? ये होता है हाई, हाई बट नॉट एब्सोल्यूट. मतलब कि भाई हाई है, अच्छी खासी एश्योरेंस है, लेकिन कभी भी 100% इसको हम नहीं बोलेंगे. So, इसका डेफिनेशन ही क्या है, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट लेस देन एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस. ओके, इस एश्योरेंस को जब हम देते हैं, जब रीजनेबल लेवल की एश्योरेंस हम देते हैं, तो उस असाइनमेंट को बोला जाता है ऑडिट असाइनमेंट. उस ही असाइनमेंट को आप बोलते हो ऑडिट का असाइनमेंट. एंड उसके केस में ICAI ने या जो भी आपकी इंटरनेशनल बॉडी है उसने स्टैंडर्ड्स क्या बना दिए, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. जी हाँ, उसी को लेके उसने क्या स्टैंडर्ड्स बना दिए, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. ओके फाइन. अब इसको लेके जब मैं रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस ना दूं, जब मैं दूं उससे कम लेवल की लिमिटेड लेवल ऑफ एश्योरेंस, जिसको हम बोल लेते हैं मॉडरेट एश्योरेंस भी, तो उस काम को मैं बोलता हूं ये रिव्यू. ओके, एंड इसके कॉन्टेक्स्ट में आपके जो स्टैंडर्ड्स बने वो बना दिए स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, SRE. ओके फाइन, फाइन, आगे आते हैं. सो हमने देखा हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसमें एक हो गया अपना एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस, नहीं दे सकते हम. सो इसको हमने क्या किया, इसको हमने काटा मार दिया. अगले पे आते हैं. अगला होता है रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस. इसका मतलब है कौन सा असाइनमेंट, ऑडिटिंग का असाइनमेंट. उसके कॉन्टेक्स्ट में कौन से एसएस बनाए गए, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. एक है आपका लिमिटेड लेवल ऑफ एश्योरेंस, मतलब कि मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस. उसके कॉन्टेक्स्ट में कौन से स्टैंडर्ड्स बनाए गए, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट. क्योंकि इस काम को क्या बोला जाता है, इस काम को बोला जाता है REVIEW, रिव्यू. ओके फाइन. अब आते हैं व्हाट इफ ये जो एश्योरेंस सर्विसेज हैं,
ये है इन रिलेशन टू सब्जेक्ट मैटर अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो भाई लोग ठीक है आपने बाकी सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, लेकिन आप बाकी सब्जेक्ट्स को लेके इतने बड़े एक्सपर्ट नहीं हो जितने आप अकाउंटिंग को लेके हो। सो बाकी सब्जेक्ट्स को लेके आप एश्योरेंस दे सकते हो एज सीए, लेकिन आप कभी भी देखो एब्सोल्यूट तो आप दे नहीं सकते, लेकिन आप इसमें रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस भी नहीं दे सकते। सो यहां पे आप देते हो कौन से टाइप की एश्योरेंस, लिमिटेड एश्योरेंस, वही कौन सी मॉडरेट लेवल की एश्योरेंस। एंड इस एंगेजमेंट को हम बोल देते हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट, ठीक है। एंड इसके केस में कौन से स्टैंडर्ड्स अप्लाई होते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट, SAE, समझ आता है, फाइन। ये हो गया आपकी एश्योरेंस सर्विसेज। अब इसके अलावा एक आपका था नॉन एश्योरेंस सर्विसेज भी, ये क्या था, इसमें एग्जांपल हमने लिया था जो सीए अंकित ने दिया था किसको, XYZ लिमिटेड को, जिसका नाम था अकाउंटिंग। सो अकाउंटिंग का काम किया था उसमें वो किसी थर्ड पार्टी को किसी लेवल की एश्योरेंस नहीं देता, तो वो किसमें आ गया, नॉन एश्योरेंस सर्विसेज में। ऐसे मान लीजिए XYZ लिमिटेड जो है उसकी तीन सब्सिडियरीज हैं, X है, Y है, Z है, इन तीनों के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कंपाइल करके बनाना है XYZ लिमिटेड का बुक्स। या मान लीजिए एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें क्या होता है अलग अलग जोन के हिसाब से अकाउंटिंग होती है, साउथ जोन के लिए अलग होती है, नॉर्थ के लिए अलग होती है, ईस्ट के लिए अलग होती है, एंड सो ऑन। सो उन सब को कंपाइल करना एंड एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, उसको हम बोल देते हैं कंपाइलेशन एंगेजमेंट। इसमें भी आप किसी थर्ड पार्टी को किसी टाइप की एश्योरेंस नहीं देते हो, आप इसमें काम करते हो किसके लिए, उस कंपनी के लिए ही। आप जो काम देते हो किसको देते हो, मैनेजमेंट को देते हो। उसके अलावा हो सकता है कि आपकी जो कंपनी है उसमें जो ICs हैं, इंटरनल कंट्रोल्स हैं, उसको आपने डिजाइनिंग का काम या इम्प्लीमेंटेशन का काम लिया हो, ठीक है। एक दोस्त है मेरा जिसने एक ऐसा काम किया था एक बहुत बड़ी कंपनी के लिए, ठीक है, वो स्पेसिफिकली दिल्ली से गया था हैदराबाद उस कंपनी में ICs को डिजाइन करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए। ऐसे ही हो सकता है कि आपके क्लाइंट पे कोई टैक्स का केस चला हुआ है, सो आप उसके टैक्स के केस को लेके कोर्ट में जाके प्रेजेंट करते हो, उसको रिप्रेजेंट करते हो, सो वो हो गया आपका टैक्स रिप्रेजेंटेशन। सो ये आपकी हो गई अलग अलग टाइप की सर्विसेज जिसमें आप किसी थर्ड पार्टी को कोई एश्योरेंस नहीं देते, सो इनको हम बोल देते हैं रिलेटेड सर्विसेज। एंड इस पे जो स्टैंडर्ड अप्लाई होते हैं वो होते हैं आपके SRS। सो ये हैं आपके अलग अलग टाइप के स्टैंडर्ड्स जो आपको अप्लाई होते हैं अलग अलग टाइप के एंगेजमेंट्स के लिए, फाइन, समझ आता है। अब भाई साहब ये सब काम तो हो गया, इन सब में क्वालिटी भी चाहिए, बिल्कुल चाहिए, ये सब काम जितने भी हैं ये होने चाहिए क्वालिटी के हिसाब से, क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए। सो उसी के लिए इन्होंने एक अलग से स्टैंडर्ड बनाए हैं जिसको हम बोलते हैं क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, SQC, फाइन। सो हमने क्या देखा, हमने देखा कि आपके लिए पांच अलग अलग टाइप के स्टैंडर्ड्स हो गए इसके हिसाब से। कौन कौन से, ये वाले SQC, SA, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट एंड SRS, ये अलग अलग टाइप के आपको एंगेजमेंट्स हो गए जो आपको अप्लाई हो सकते हैं, फाइन। एंड इनके नंबर्स अलग अलग हैं, इनके नंबर्स हैं SQC की जो नंबरिंग होती है वो होती है आपकी 1 से लेके 99 तक, SAs की जो होती है वो होती है आपको 100 से लेके 999 तक, ये जो होते हैं SRE जो होते हैं उसकी होती है आपको 2000 से लेके 2699 तक, एंड SAE की 3000 से होती है, एंड SRS की होती है 4000 से। सो ये हो गए आपके अलग अलग स्टैंडर्ड्स जो आपको अप्लाई होते हैं अलग अलग केस में। ओके, अब देख लेते हैं कि क्विकली सिलेबस में कौन कौन से, देखो ये बात कि किस केस में कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई होता है ये MCQ की फॉर्म में भी आ सकता है। मैं आपसे पूछूं कि आपको एश्योरेंस स्टैंडर्ड जो होते हैं SAE अप्लाई होते हैं क्या इन रिलेशन टू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो वो आपको माइंड में मैप हो चुका कि नहीं,
उसकी जो मैपिंग थी, उसकी जो लेग थी वो अलग थी, वो थी अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर मैं आपको पूछता हूँ, इनकेस मैं आपको पूछता हूँ कि अकाउंटिंग के काम के लिए आपको कौन से स्टैंडर्ड्स अप्लाई होते हैं, तो आप सीधा सीधा बोलोगे कि ये क्या है, ये किसी टाइप की एश्योरेंस सर्विस नहीं है, ये क्या है, एक रिलेटेड सर्विस है, तो इसके लिए अप्लाई होता है आपका SRS। ओके फाइन, ऐसे ही आपको बाकी क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, इनकेस आपको MCQ की फॉर्म में आए, चाहे टी एंड एफ की फॉर्म में आए। अब देख लेते हैं कि आपके CA इंटर लेवल के लिए, CA फाइनल लेवल के लिए क्या क्या एप्लीकेबल है। CA फाइनल में तो बॉस सब कुछ एप्लीकेबल है, ये टोटल मिला के होते हैं 46 स्टैंडर्ड्स, आपको सब के सब यहाँ पे अप्लाई होते हैं। एंड आपको लेकिन CA इंटर लेवल पे, जो सेकेंड लेवल है आपका, उस पर अप्लाई होते हैं एक तो ये वाले, एक तो ये वाले, एंड एक आपको अप्लाई होते हैं ये वाले। एंड इसमें भी आपको अप्लाई नहीं होता ये 800 की सीरीज, सो आपको ये एंड ये अप्लाई होता है। सो आपके बनते हैं टोटल मिला के 36 एट सेकेंड लेवल, मतलब कि CA इंटर के लेवल पे। एंड फाइनल पे आपके सबके सब 46 के 46 आ जाते हैं सबके सब मिला के। सो दैट्स इट बच्चों, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।